हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगी। एक जो पॉइंट था आप लोगों का, जो एक मुद्दा था कि सर रिकॉल प्लान क्या होता है, रिकॉल प्लान के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, शॉर्ट में निपटाएंगे। रिकॉल प्लान क्या होता है यार, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी जो आप फूड में डील कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं, तो क्या आपका प्लान रहने वाला है कि इन केस उसको रिकॉल करना पड़ा, उसको वापस बुलाना पड़ा अपनी फैक्ट्री के अंदर, कब आप बुलाएंगे। जैसे कभी भी मान लीजिए कि किस लिए आप बुलाएंगे, मतलब आपको पता चला कि वो कुछ हजार्डियस है, कुछ दिक्कत है उसके अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर, ताकि वो जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, या उसको कंज्यूम करने से हेल्थ खराब हो जाएगी, या कुछ भी दिक्कत हो सकती है उसको कंज्यूम करने से, देन इन दैट केस क्या होगा, आपको अपना रिकॉल प्लान बनाना पड़ेगा। रिकॉल प्लान बनाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। जनरली अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट वाले आजकल पूछ रहे हैं कि आप अपना रिकॉल प्लान सबमिट करिए, कि इन केस अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इन दैट केस आप क्या करेंगे। आप बेसिकली रिकॉल प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, कि जैसे मान लीजिए आपने ऐसा कुछ सिचुएशन आई, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा उसके अंदर, जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है, क्या उसको करना होगा, स्टेप्स क्या होंगे उसके अंदर, आप किस तरीके से रिकॉल करेंगे उस प्रोडक्ट को, ठीक है, रिकॉल करने के बाद उसको कैसे डील करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको उस रिकॉल प्लान के अंदर बतानी है। अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको उसके अंदर बतानी है कि किस तरीके से आप दोबारा आपको बुलाना पड़ा उस प्रोडक्ट को, तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। आपको ये अपने, देखिए ये क्या होता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, ठीक है, आप अपना रिकॉल प्लान खुद बनाइए अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली। बट मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा, आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करिए, आप उस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, बट अपनी कंपनी के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आप अपना खुद का जो है, आप अपने खुद की चीज़ें आप अपने डिफाइन करिए उसके अंदर, और उस हिसाब से लिखिए, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से। और आपको मैं अपना कोई इसके अंदर आपको जो, अगर आपको रिकॉल प्लान के बारे में और भी चीज़ें जाननी है, तो मैं आपको कुछ और भी डिटेल दे दूंगा, वेबसाइट दे दूंगा जिसके अंदर स्पेसिफिकली FSSAI ने पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप और रीड करना चाहते हैं तो और रीड कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से यही था, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो थी, कुछ आपको फर्दर कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो फर्दर बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच।